वैसे रोज ही होता है तो, बट आज पर्टिकुलरली मंडे है और मंडे के दिन हमने कहा कि जो यहाँ से अपना रीगल चौक से लेके हरी सिंह स्टेट तक जितनी भी रॉन्ग पार्किंग गाड़ियाँ हैं, खासतौर से जो दुकानदार लोग रखते हैं अपनी गाड़ियाँ, उनको हमने ऑलरेडी बोला हुआ कि जो यहाँ पार्किंग की गवर्नमेंट ने बनाई है, अपनी गाड़ियाँ प्लीज़ वहाँ रख लीजिए। और बाद में जो कस्टमर्स आते हैं, अगर कोई 2 मिनट के लिए 3 मिनट के जो आता है उसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, बट जो खसूसी तौर जो बैंकों में मुलाजिम है चाहे दुकानदार है, जो पूरे दिन गाड़ियों को रोड पे रखते हैं जिससे पूरा चौकिंग होता है और हमारा जो सिटी पूरा डूब जाता है इसमें ट्रैफिक में, इसी की वजह से हम आज ये पूरा ड्राइव। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ के स्कूल्स को लेकर अगर देखिए, ये प्राइवेट व्हीकल्स जो है बच्चों को लेकर चलते हैं और उनके पास हालांकि कोई परमिट नहीं होता, तो क्या उनके लिए कोई मैसेज या कोई वार्निंग देना चाहेंगे आप? नहीं, उनके लिए तो प्रॉपर लॉ है कि कोई भी कमर्शियल यूज नहीं कर सकता है गाड़ी को जब तक गवर्नमेंट की तरफ से इनको रूट परमिट ना हो और परमिशन ना हो, तो हम करते हैं, चलाना तो उनको होते रहते हैं, बट चूंकि स्कूलों के पास उतनी गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं होती है, थोड़ा सा लेलैंड व्यू ले लेते हैं, अदरवाइज उनके उनके ऊपर भी चालान होते रहते हैं। नंबर प्लेट तो जिसके पास HRC भी नंबर नहीं लगा होगा उसको तो चालान होता है 2000 रुपये। ट्रैफिक जाम बहुत है, कोविड के बाद लोग निकले हैं और आपका स्कूल भी खुले हुए हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट भी खुली हुई है, टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो गाड़ियाँ जो चल रही हैं रोड पे, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम है सिटी में। सब्सक्राइब मेल, प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।